आदरणीय प्रधानाचार्य संस्थापक महोदय गुरुजनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को कक्षा 10वीं की ओर से गुरु नानक जी की गुरु नानक जयंती लग गया। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु नानक गुरु गुरु या गुरु नानक का प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, माना जाता है कि 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवी नामक गाँव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था और इसी कारण हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हमारे देश में गुरु नानक जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। सिख समुदाय के लिए यह दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और बता दें कि सिख समुदाय की स्थापना गुरु नानक जी ने ही की थी। नानक जी एक महापुरुष और एक महाधर्म प्रवर्तक भी थे, जिन्होंने विश्व को सांसारिक अज्ञानताओं से दूर कर आत्मा आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात कराने हेतु लोगों को प्रेरित किया। माना जाता है कि सांसारिक कार्यों में गुरु नानक जी का मन नहीं लगता था, धार्मिक सत्संगों में ही उनकी रुचि ज्यादा थी। बचपन से ही उनका मन धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था। नानक जी की इसी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मुझे माता पिता उनसे हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, तो नानक के पिता ने नानक गुरुदेव जी को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा, जहाँ नानक जी के समाज पर उनके गुरु गुरु निरुत्तर हो गए। गुरु नानक जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को लोगों के मन से दूर करके प्रकाश कर दिया, इसीलिए उनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो ग्रंथ में अपना ध्यान लगा जिस वक्त गुरु का नाम लिया, फल बीज गुरु ने आन उन्हें खुशहाल किया और थाम लिया। इस बख्शिश के इस अजमत के बाबा नानक शाह गुरु सब शिष्य का अरदास करो और हरदम बोलो वाहे गुरु। धन्यवाद।